हाँ जी, एक और नई वीडियो लेकर आ गया हूँ। आप देख रहे हो अमर सिंह ब्लॉग। तो यार कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, भले चंगे होंगे और सबसे मस्त हो गए यार। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक भरी महफिल सॉन्ग का टीजर आ चुका है। पप्पू मान जी का नया सॉन्ग है मेरी ट्यून, ये चैनल है यूट्यूब का, उसके ऊपर ये जो है आया हुआ है टीजर, और सॉन्ग भी मेरे ख्याल से इसी चैनल पे आएगा। मैं आपको लेटेस्ट अपडेट जरूर दे दूंगा। मेरे इंस्टाग्राम को आप फॉलो कर सकते हैं, वहां से भी मैं नए पोस्ट करता रहता हूँ। तो आज हम इसके ऊपर रिएक्शन करने वाले हैं भरी महफिल टीजर के ऊपर, और साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है कि आज इसी वीडियो में मैं पप्पू मान जी के एक लाइव शो के भी ऊपर रिएक्शन करने वाला हूँ। मैं जानता हूँ आप लोगों को बड़ा पसंद आता है जब मैं लाइव शो के ऊपर रिएक्शन करता हूँ, तो आप लोगों के लिए सरप्राइज है इसी वीडियो में वो मिलेगा आपको। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। आज इसी वीडियो पे मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि जैसे मैं जानता हूँ कि मेरी मेजोरिटी ऑफ व्यूअर्स जो है, जो लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, उसमें काफी ज्यादा जो लोग हैं वो पंजाब से हैं। तो यार पंजाब में आपने एक नई सरकार बनाई है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सरकार आपके इश्यूज, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे एंड अच्छा अच्छा डेवलपमेंट आप लोगों के लिए वो करे। मेरी ये दुआ है आपके लिए। और पंजाब इलेक्शंस में पप्पू मान जी का जो है रोल काफी बड़ा था, क्योंकि उनके साथ जो है काफी लोग जुड़े थे और उन्होंने जो है उनके बेसिक मुद्दे और बेसिक इश्यूज को काफी ज्यादा जो है आवाम तक पहुंचाया था, और जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि शायद पंजाब सरकार में बहुत बड़ा बदलाव आया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू ऑल, जिन्होंने जैसा जैसा जिसको सपोर्ट किया है वो उनके इश्यूज को सॉल्व करें। तो आइए फिर अपने चैनल में रौनका लगाते हैं, पप्पू मान जी का नया टीजर देखते हैं किस तरीके से बना है, आप लोग एंजॉय करिए। आइए फिर पप्पू मान जी के स्टाइल में शुरू करते हैं। 1-2-1 चक। मेरी ट्यून चैनल, अरे वाह, तो यार ये एक टीजर है जिसका मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इस बार क्या होने वाला है कि सॉन्ग का नाम भरी महफिल है जैसे आप सभी को पता है, और जो है सिंगर पप्पू मान है, लिरिक्स इस बार जो है कुणाल वर्मा ने दिए हैं। यानी कि जितने भी अभी हम सॉन्ग सुनते थे तो उसमें लिरिक्स भी होते थे, कंपोजिंग भी जो होती थी वो पप्पू मान जी खुद करते थे, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है कि लिरिक्स जो है वो कुणाल वर्मा के है और पत्र लिखा बी के उन्होंने कंपोज करा है। लुक के मामले में तो क्या कहूंगा यार, जो झलक दिखी है ना वो भाई साहब बढ़िया एकदम लुक आ रखा है, एकदम राजे महाराजे की तरह कुर्सी पे बैठे हुए हैं। और वो डांस स्टेप मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने उन्हें भांगड़ा करते हुए तो काफी बार देखा है, पर जो उन्होंने कपल डांस वो कर रहे थे वो भी देखते किस तरीके से इस बार जो है आता है वो वीडियो में निकल के। 16 तारीख को वो वीडियो आने वाला है, तो आप लोग बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं उसका रिएक्शन वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, ठीक है। तो अब है आपके सरप्राइज की बारी, ये है पप्पू मान जी का लाइव शो, आइए एंजॉय करते हैं। पप्पू मान जी का मुलनपुर लाइव शो है ये, ठीक है। फोर्ड न्यू सॉन्ग लिखा हुआ है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज इस वीडियो को भी लाइक करना और हम मेरी वाली वीडियो को भी लाइक करना। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। मैं वो बजने नहीं कोटी हो बजने वो पड़ा ला भाई साहब साहब ला भाई साहब कोई नहीं, हम सारा कुछ फ्यूज होना है, कहीं जाऊंगे कोई नहीं मौज है, मालिक की मौज है, मालिक चाहूंगा भी लाइटा फ्यूज हो जाए, बाबा चाहूंगा रजा नवा गीत सुना है ला साला नया गीत सुना है और तुम पीने सारा मैं भी सुन लो हम दो लाइन जो प्यार ना सुनिए चंगी चीजें जो तो सुननी है तो सुन लो नहीं तो फिर ब्याह मांगू फिर लूप ला के सारा बहुत ज्यादा करो हम सुन लो बार बार जो हाथ से कर दो फिर बंदा पिछली गल भुल जाता है ता ही तो जिंदगी च कुड़ी नहीं खड़ी थोड़े को काले सारे बहुत है चल लाके बिच चर्चा सी ए जदों ले आंदा सी क्या बात है लाके बिच चर्चा सी ए जदों ले आंदा सी नी तेरी गुत वर्गा बंपर ते लाल परांदा सी क्या बात है नी तेरी गुत वर्गा बंपर ते लाल परांदा सी पहली वारी मटगाड ते तेनू मैं बठाया सी नी पहली वारी मटगाड ते तेरा क्लिप तो रह गया तेरे लिए तो गा रहा मैं खो गया दोबारा गाना पड़ेगा
ਸੰਗਾ ਸਾਡਾ ਬੇਲੀ ਲਾ ਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਗਾ ਲੈਣਾ ਸਾਲਾ ਯਾਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਗਾ ਲੈਂਦਾ ਭਾਈ ਕਲਿੱਪ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤੇਰੀ ਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਨੀ ਤੇਰੀ ਗੁੱਤ ਵਰਗਾ ਬੰਪਰ ਤੇ ਲਾਲ ਪਰਾਂਦਾ ਸੀ ਨੀ ਤੇਰੀ ਗੁੱਤ ਵਰਗਾ ਬੰਪਰ ਤੇ ਲਾਲ ਪਰਾਂਦਾ ਸੀ ਜੇ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੂਗਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਓਕੇ ਅੱਜ ਅੱਜ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੱਡ ਗਾਰਡ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ 98 ਤਿਆਰ ਰੱਖੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੱਡ ਗਾਰਡ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਨੀ ਇਹ ਉਹੀ ਫੋੜ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਲਿਮੋ ਨੂੰ ਟੋਚਨ ਪਾਇਆ ਸੀ टाइम बन के सिर से आ जद खड़ने रकाने नी निकथे असला चक्कण दन्ने पुत बगाने वाह 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 चक्कण असला चक्कण दन्ने पुत बगाने आज तो पंजाबी भी आ गया भाई लेके घर ही चले जाए वही गीत सुनते रहे वही बातचीत करते रहे यार
कमाल है यार, जो पब्लिक आती है इनके शो में, इनके अखाड़े में, भाई साहब दीवानी हुई पड़ी है, निकलने भी नहीं दे रहे हैं यार। मतलब आप सोच रहे हो एक फिनिशिंग भी मतलब ऐसे दिए कि दो चार लाइन्स गाई, एक मौसम बनाया और फिर पीछे से निकल लिए। भाई बहुत ज्यादा टफ होता है इनके लिए, मैं सच में देखे हैं ऐसे ऐसे इनके शो होते हैं कि जहाँ पर लिटरली इनको मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है शो को छोड़कर निकलने के लिए भी। भाई 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 ऐसी फैन फॉलोइंग है, ऐसा इनको प्यार दिया जा रहा है, तो मतलब किस लेवल का गाना गाते हैं, किस लेवल का सपोर्ट है इनको पंजाब से, मान सकते हो। तो यार ये था इनका एक लाइव रिएक्शन। और तो जैसा कि हमने सुना कि इस सॉन्ग में, इस लाइव शो में इन्होंने काफी दो तीन सॉन्ग्स को जो है मिक्स करा, उसके पीछे जो है बोर्ड के लिए भी गाना गा दिया, मित्रा दी छतरी वाला। और भाई साहब जो ट्रांजिशन लिए है ना इन्होंने, बहुत मस्त लिए है, मजा आ गया मुझे इस लाइव शो का। आपको कैसा लगा तो आप प्लीज जरूर बताना मुझे, वीडियो के कमेंट्स बॉक्स यूज करें प्लीज। मैं आप लोगों के जो भी रिक्वेस्ट होती है, आप लोगों के फीडबैक्स होते हैं, उसे पढ़कर मुझे बहुत खुशी होती है, और मैं आप लोगों से कनेक्ट जब करता हूँ मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। आप लोग प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना। एंड स्पेशल थैंक्स टू अमन जिन्होंने मुझे जो है भरी महफिल के लिए रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज इस सॉन्ग का जो है रिएक्शन वीडियो बनाना। अमन आपका थैंक यू, ये मेरे एक सब्सक्राइबर है, मेरे दोस्त है। तो यार इसी तरीके से चैनल को बने रहना, सपोर्ट जरूर देना यार चैनल को, ठीक है। चलो बाय बाय, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप देख रहे थे अमर सिंह ब्लॉग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।